बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी अपनी सिस्टर के घर से आ रहा था, तो मैं कल का गया हुआ था। तो कल तकरीबन कोई 8 बजे हम गए थे उनके घर, ठीक है। सारी रात हम वहाँ रहे, हल्ला गुल्ला किया, मज़ा आया इतना। कल हमारे घर फंक्शन भी था एक, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फंक्शन भी बहुत अच्छा अटेंड हुआ है। और मेन बात जो है, मैं अपनी सिस्टर के घर के गया था, वहाँ भी मैं बताना है आपको कि वहाँ हम गए, इतना मज़ा आया मुझे। पहले तो हम वहाँ पहुँचे जाके, हमने बहुत शुद्र पी, उसके बाद हम फिर खाना खाया हमने, उसके बाद हम मतलब कोई जो है ना 10-11 बज गए होंगे। तो हम फिर कहा चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि वो ज़रा सैड लग गया थोड़ा सा। तो हमने कहा चलो सो जाते हैं। तो हम सोने की तैयारी करने लगे, लेटे हैं, लेटे लेटे बातें करते करते जी 11-12 बज गए। फिर भाई आए, भाई मोबाइल लेके आए, तो हमने मोबाइल पे फिल्म देखनी शुरू कर दी। फिल्म देखे देखते 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 1 बज गया। 1 बजे फिर हमने कहा अब सो ही जाना चाहिए। फिर हम सोए, फिर सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद आए, फिर सो गए। यार इतना मज़ा आ रहा था ना, ऊपर से इतनी बारिश हुई, क्या बताऊँ आपको। उस साइड के इलाके की सड़क जो है ना बहुत ख़राब है, और बारिश की वजह से तो तबाही हो गई उधर। सारे जो खड्डे बने थे वो भर गए पानी से, ट्रैफिक इतनी, ऊपर से गाड़ियाँ फंसी हैं वहाँ पे, बहुत बुरा शहर उधर का। फिर जब मैं आपको कहाँ रह गया हूँ, फिर सुबह से हम जब उठे तो हमने खाना वगैरह खाया, नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फिर हम जो है ना बाहर निकले थोड़ा सा खेलने के लिए। फिर हम ग्राउंड में गए, वहाँ जाके खेला, तकरीबन 12 बजे तक हम खेलते रहे, 12 से 1 बजे तक लगा रहे हैं खेलते रहे। तो जो है ना क्या खेला था, हाँ हमने गुल्ली डंडा खेला, बहुत ज़्यादा गुल्ली डंडा खेला, तकरीबन 2 घंटे हम खेलते रहे गुल्ली डंडा। उसके बाद बैट बॉल खेला इतना ज़्यादा, फिर ठीक है। उसके बाद हमने बाइक पे इधर उधर घूमे, इतना ज़्यादा सैर की इधर उधर, क्योंकि बारिश की वजह से ठंडा मौसम हो गया था, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो कहता हूँ अगर आप इस तरह की कहीं जगह पे जाते हैं, सिस्टर के घर, कज़न के घर, मामू चाचू जहाँ भी जाते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कब गए थे। कल ज़रूर, अगर कल आप गए थे तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप गए कि नहीं गए, ठीक है। बाकी मैं जब गया हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी मैं कब आया, मगरिब से चंद मिनट पहले मैं घर आया हूँ, नहीं मतलब कह रहा हूँ कि मैं मगरिब हो रही थी और मैं घर आ रहा था, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है कल का फंक्शन, और कल का जो मेरा टूर था वो भी बड़ा अच्छा रहा है। और मैं अभी घर आया हूँ, और खाना तो मैं वहाँ से खा के आया था। बाकी अभी जो है ना शाम हो रही है, मगरिब के बाद अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, तो सोचा नूडल बना के खाते हैं। तो फिर यार नहीं, नूडल नहीं खाने चाहिए, मैं ना कुछ और ही खा लूँगा, बाकी अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, कुछ खा पी के आते हैं। तो अभी जो है ना मैं खाना जो है ना थोड़ा बहुत खाना था वो खा लिया, तो बातें करनी थी कुछ थोड़ी सी आपसे, शेयर कर लेता हूँ मैं। चलो तो दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि बारिशों के मौसम में ऐसे के टूर पे जाना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बारिशें जब हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होती हों तो आप जाएं, ये नहीं कह रहा, लेकिन जब हो जाती हैं होने के बाद आप लोग जाएं तो तब तो बहुत ही मज़ा आता है। ठंडा मौसम होता है सारा, ठीक है, कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं, ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, ऊपर से मौसम ठंडा, सूरज भी नहीं होता, बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं चाहूँगा अगर आप किसी इस तरह की जगह पर जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो शूट करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो जगह मिल नहीं थी रही मुझे, लेकिन बात कुछ इस तरह है कि यार अभी रात काफ़ी हो गया यार, इतने के लिए आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है, जितनी सी भी बनी है, जैसे की भी बनी है बहुत है। तो मैं ना सुबह जो है नया व्लॉग शूट करूँ, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करिए, मैं उसका साइड पे लिंक भेज रहा हूँ। और अगर आप फेसबुक के यूज़र हैं तो आप मुझे जल्दी से फेसबुक पे भी फॉलो करें, ये मैं उसका यूज़र नेम भेज रहा हूँ।
इसी के साथ वहाँ सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट भेजें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और लास्ट में बताता जाऊँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।